वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और जो आज का वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने एक हैवी हेयर ऑयलिंग का वीडियो अपलोड किया था, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप फिर से हैवी हेयर ऑयलिंग कीजिए, तो आज मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ। पर डिफरेंस ये है कि आज कोई हेयर ऑयल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं ये देशी घी अपने बालों में लगाने वाली हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। खाने के फ़ायदे तो आपको पता ही हैं, साथ ही साथ इसको लगाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ ही साथ मैं एक 7 डेज़ हेयर केयर चैलेंज लेने वाली हूँ, जिसमें 7 दिन तक अपने बालों पे कोई ना कोई मास्क या ऑयल, घर पे बने ऑयल कुछ ना कुछ ज़रूर अप्लाई करूँगी। और ये कैसे रिजल्ट देता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। तो आज इस चैलेंज का फर्स्ट डे, आज मैं लगाने वाली हूँ अपने बालों में घी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाना है, कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये ले लिया मैंने घी। आपके बालों में जितने घी की ज़रूरत हो उतना आप अमाउंट में घी ले सकते हैं। और फिर मैंने अपने बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि घी लगाने में आसानी रहेगी। तो मैंने एक कॉटन का छोटा सा पीस ले लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं, अपने फिंगर टिप से लगा सकते हैं, पर अगर आप कॉटन का यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे से पूरे बालों में इक्वली कुछ भी हो, ऑयल या घी, वो लग जाता है। इसको बहुत तेज़ी से रब नहीं करना है, हल्के हाथों से बस आप इसको ऑयल को लगा लीजिए। घी में होते हैं बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, जिससे कि इसका यूज़ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जैसे कि आगे के पोर्शन में अप्लाई किया था, वैसे ही पीछे के पोर्शन में भी अप्लाई कर लेंगे। स्केल्प पे तो अच्छे से घी लग गया है, तो अब एंड्स पे भी अच्छे से घी लगा लेंगे। और मुझे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, तो मैं घी में अपने बालों को डिप कर लूँगी।
जैसे कि हम मास्क लगाते हैं वैसे ही छोटे छोटे सेक्शन लेके ऊपर से नीचे तक इस घी को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। जब भी आप बालों में ऑयल लगाएं, सबसे ज़्यादा मेन स्टेप होता है बालों में अच्छे से मसाज करना। मसाज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है, बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम अपनी बॉडी के लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, पर बालों के लिए कुछ करना भूल जाते हैं। ऐसे ही मसाज करना, अच्छे से कॉम्ब करना भी एक बालों की एक्सरसाइज होती है जिससे कि जो हमारा हेयर है उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो अब फिंगर टिप की हेल्प से हम हल्के हाथों से स्कैल्प को वाइब्रेट करेंगे जिससे कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अगर हेडेक की प्रॉब्लम है तो आपकी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर ये सारे स्टेप्स आप किसी और से करवाते हैं तो आपको और अच्छा फील होगा। तो बालों के दो सेक्शन लेंगे और उनको एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। इससे भी हमारे जो हेयर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, काफ़ी रिलैक्स मिलता है आपको ये सारे स्टेप्स करने से। ऑयलिंग के बाद कॉम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि ऑयल पूरे बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो बालों में अच्छे से घी लग गया है। अब इसको मैं 1 से 2 घंटे तक लगा के रखूँगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इसको रात भर अप्लाई करें, बस 1-2 घंटे के लगाना ही सफिशेंट है। तो चलिए तब तक के लिए एक बन स्टाइल बना लेते हैं।
स्टेप है स्टीमिंग। मैंने गर्म पानी में इस टॉवल को डिप कर लिया है और इसको अपने बालों पे रैप कर लूँगी। इससे जो भी ऑयल है वो स्कैल्प पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब मैंने इसको लगाया, इसके बाद धोने के बाद बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ लग रहे थे। आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बाल शाइनी हो जाएंगे। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ को भी दूर करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको भी ये कम करेगा। पर उसके लिए आपको इसको रेगुलर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप इसको सप्ताह में एक बार ट्राई कर सकते हैं। जितना आपके बालों के लिए सफिशिएंट है उतना अमाउंट आप ले लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, कि कुछ लोगों को घी की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो आप इसमें कोई भी अपने पसंद का ऑयल, एसेंशियल ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि इसकी स्मेल कम हो जाएगी। और पुराने टाइम में लोग घी को ऑयल की जगह यूज़ करते थे, ऑयल यूज़ नहीं करते थे, घी यूज़ करते थे, और वो घी बिल्कुल घर पे बना हुआ गाय का शुद्ध देसी घी होता था, जिससे पुराने टाइम पे आपने देखा होगा कितने अच्छे बाल होते थे हमारी दादी नानी के टाइम पे, तो वो लोग इसको अपने रूटीन में शामिल करते थे। तो आप भी इसको अपने रूटीन में शामिल कीजिए, आपके बालों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा। इसको ट्राई ज़रूर करना। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।